नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले भाई की जो किंग्स इलेवन पंजाब की टीम है वो भाई अपने किन पांच बड़े खिलाड़ी को करेगी इस आईपीएल 21 के सीजन में रिटेन। जी हाँ दोस्तों भाई, क्योंकि जो आईपीएल 20 का परफॉर्मेंस रहा पंजाब की टीम से भाई काफ़ी उतार चढ़ाव रहा था, और ऐसे में पंजाब के लिए भाई एक अग्नि परीक्षा वाली बात होगी, क्योंकि भाई जो रिटेन खिलाड़ी को लिस्ट आप किसी पाँच खिलाड़ी को कर सकते हैं रिटेन। तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो पाँच कौन से बड़े खिलाड़ी हैं जिनके साथ पंजाब की टीम जुड़ना चाहेगी आईपीएल 21 में भी, और उन पर भाई एक बार फिर से भरोसा दिखाएगी। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भाई सबसे बड़े फैन हैं आप किंग्स इलेवन पंजाब के, केएल राहुल के, क्रिस गेल के, सपोर्ट करते भाई इस टीम को, तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको जो है रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे आपकी फेवरेट टीम किंग्स इलेवन पंजाब से जुड़ी हुई और भाई आईपीएल 2021 से जुड़ी हुई। तो दोस्तों भाई जैसे कि हमने देखा आईपीएल 20 में जो पंजाब की टीम का परफॉर्मेंस रहा भाई, उनका जो परफॉर्मेंस रहा अप टू द मार्क नहीं रहा, यानी कि एवरेज से भी कम उन्होंने भाई परफॉर्मेंस किया, और भाई जिसका नतीजा यही रहा कि आईपीएल 20 में जो पंजाब है वो हो गए प्लेऑफ के दौड़ से बाहर। क्योंकि भाई पंजाब की जो सबसे बड़ी कमजोरी निकल के आई वो निकल के आई उनकी बल्लेबाजी और उनकी गेंदबाजी। लेकिन दोस्तों हम बात करते भाई कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं रिटेन उनके परफॉर्मेंस के दम पे, और भाई आईपीएल 20 का जो परफॉर्मेंस है वो देखा जाना चाहिए अगर हम बात करें रिटेन की लिस्ट की। लेकिन दोस्तों उससे पहले बात करते भाई कि जो आईपीएल का ऑक्शन है वो मैं फरवरी के महीने में देखने को मिल सकता है पहले सप्ताह में, तो भाई इसी को लेकर एक मेगा ऑक्शन का प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि दो नई टीमें होने वाली हैं ऐड आईपीएल 2021 के लिए, ऐसी भी खबर निकल के सामने आ गई है। तो अब दोस्तों भाई जो रूल है आईपीएल में कि आप किन खिलाड़ियों को कर सकते हैं रिटेन, किसको करना पड़ेगा रिलीज, तो भाई उसमें आप कर सकते हैं किसी पांच खिलाड़ियों को रिटेन। जी हां दोस्तों भाई पांच खिलाड़ी को जो है आप रिटेन कर सकते हैं, हर फ्रेंचाइजी हर टीम भाई पांच खिलाड़ी को जो है रिटेन करना चाहेगी। तो अब दोस्तों भाई रिटेन कर सकते हैं तो उसमें भी रूल है कि आप दो ओवरसीज और तीन इंडियन प्लेयर को जो है आप रिटेन कर सकते हैं। अब दोस्तों भाई बात करते हैं कि तीन इंडियन प्लेयर कौन कौन से होने चाहिए। तो भाई जो तीन इंडियन प्लेयर होंगे वो ऐसे प्लेयर होंगे जिन्होंने इंडिया की तरफ से खेला है, यानी कि इंडियन कैप्ड प्लेयर। तो अब भाई पंजाब की टीम में तीन ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने भाई इंडिया की टीम की तरफ से खेला है और आईपीएल में उनका प्रदर्शन जो है अच्छा रहा है, और भाई पंजाब की तरफ से भाई वो मेन बल्लेबाज या फिर मेन गेंदबाज या फिर मेन ऑलराउंडर रहे हैं। तो दोस्तों भाई जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है कप्तान साहब यानी कप्तान केएल राहुल का। तो भाई केएल राहुल रहेंगे रिटेन, और भाई उनके साथ एक और नाम जुड़ गया है आईपीएल 20 के प्रदर्शन को देखते हुए, जिनका नाम है मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल भाई काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, T20 में उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा, अगर बात करें आईपीएल की, और भाई आईपीएल 20 में उनका प्रदर्शन में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। जिस तरह से भाई उन्होंने ओपनिंग की थी, केएल राहुल के साथ काफ़ी लाजवाब पारी भी खेली थी, तो ऐसे में भाई किंग्स इलेवन पंजाब जो एक बार फिर से मयंक अग्रवाल को भरोसा दिखाएगी और उनके साथ जाना चाहेगी। अब भाई तीसरे नंबर पे आते हैं मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी भाई इंडिया के स्टार गेंदबाज है, काफ़ी अच्छे तगड़े गेंदबाज है, पेस है इनके पास, लेकिन भाई जो कमजोरी दिखी मोहम्मद शमी की वो ये थी कि भाई इनके साथ जो गेंदबाजी करते थे वो भाई फॉर्म में नहीं होते, जिनका कारण भाई पूरा जो प्रेशर है मोहम्मद शमी पर आता था और मोहम्मद शमी भाई उसको रिकवर नहीं कर पाते थे। लेकिन मैं अगर बात करूँ काबिलियत की तो मोहम्मद शमी भाई पूरी तरीके से काबिलियत है, और भाई जिस तरीके से पंजाब ने उन्हें रिटेन किया है तो इस सीज़न भी जो है उन्हें रिटेन करना चाहेगी। दोस्तों आपका क्या कहना है भाई इन खिलाड़ियों के बारे में, क्या इन तीनों खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और भाई खास करके मोहम्मद शमी के बारे में आपको क्या कहना है आप हमें कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों आप बात करते भाई कि दो जो ओवरसीज खिलाड़ी रहेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं रिटेन पंजाब की टीम से। भाई जो सबसे पहला नाम आएगा वो तो आएगा यूनिवर्स बॉस यानी कि क्रिस गेल का। क्रिस गेल भाई एक धाकड़ बल्लेबाज हैं और भाई इनके पास अच्छी खासी काबिलियत है। बात करें आईपीएल 20 में तो भाई इनकी जो पारियां हैं काफ़ी अच्छी रही हैं, और भाई इन्हें ओपनिंग करने का मौका नहीं दिया गया था, लेकिन जब भाई इन्हें मौका दिया गया आकर के तीन नंबर पे चार नंबर पे खेलने का, तो भाई काफ़ी अच्छा जो है प्रदर्शन इन्होंने किया था, और एक तरफा भाई मैच जो है टीम को जिताया भी है। तो भाई ऐसे में क्रिस गेल पर जब पंजाब ने 2019 के आईपीएल में भरोसा जताया था, तो भाई 2020 में जो है उन्हें रिटेन करना चाहेगी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। तो भाई आप बताइए क्या गेल को रिटेन करना एक सही स्टेप होगा कि नहीं होगा, आप भाई कमेंट करके हमें बताइए। तो अब बात करते हैं भाई दूसरे खिलाड़ी की। भाई जो दूसरा ओवरसीज खिलाड़ी है वो हो सकता है निकोलस पुरन और ग्लेन मैक्सवेल। भाई इन दोनों में जो कंपटीशन है काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि भाई ग्लेन मैक्सवेल जो है आईपीएल 20 में तो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन भाई ग्लेन मैक्सवेल का जो परफॉर्मेंस है अभी काफ़ी अच्छा तगड़ा निकल के आया है। अगर बात करूँ भाई जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही थी इस सीज़न में, तो भाई ग्लेन मैक्सवेल के साथ टीम को जाना चाहिए, क्योंकि भाई ग्लेन मैक्सवेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं अगर भाई अपने रंग में आ जाते हैं अपने रूप में आ जाते हैं तो भाई पूरी तरीके से जो मैच है उसको पलट के रख देते हैं। और भाई निकोलस पुरन के साथ भी टीम जाना चाहेगी, क्योंकि भाई निकोलस पुरन एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है
और भाई काफ़ी अच्छी तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं और भाई आपको विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी देते हैं। तो अगर भाई टीम निकोलस पूरन को रिटेन करती है तो ऐसे में जो विकेट कीपिंग का दबाव है वो केएल राहुल से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन भाई आईपीएल 20 में पूरी जो विकेट कीपिंग है वो केएल राहुल ने ही की थी। तो भाई आपका क्या कहना है इन पाँचों खिलाड़ियों के बारे में, किन किन के साथ पंजाब जा सकती है और भाई कोई ऐसा खिलाड़ी है जो छूट गया या फिर इसे पंजाब की टीम रिटेन करना चाहेगी, भाई आप हमें जो है कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों भाई आपके कमेंट का हमें रहेगा बेसब्री से इंतजार। तो दोस्तों भाई आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। वीडियो पसंद है तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे बड़े फैन है आप किंग्स इलेवन पंजाब के केएल राहुल के, भाई सपोर्ट करते हैं इस टीम को तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको जो रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।